रीट 2018 की वेटिंग, जी हाँ, 2021 की शुरुआत में या 2020 के अंत में, अब तक की जो तीन कट ऑफ आ चुकी है रीट 2018 की, 3 सितंबर 2018, 22 दिसंबर 2018, 28 फरवरी 2019 को क्या रहेगी चौथी बार? तीन कट ऑफ और रिक्त पद भी आपको बताएंगे, उसके आधार पर आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक अवेलेबल करवाई जाएगी, और शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाओगे तो जैसे ही नई सूचना आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आवश्यक सूचना सुन लीजिए। नमस्तुभ्यम सभी को। रीट 2018 की अभी तक की तीनों कट ऑफ और दिसंबर 2020 तक तीनों कट ऑफ के बाद रिक्त पदों को बहुत ही अच्छे डायग्राम में, अच्छे फॉन्ट में और सटीक तरीके से आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों, जिसकी कोई भी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या फिर विडो डिवोर्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एलडी, बीएल, ब्लाइंड या फिर स्पोर्ट या एक्स सर्विसमैन हो, बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले ऊपर राइट साइड में आई बटन सजेशन आपको दिखेगा, उसको क्लिक करते ही आपको 40-40 वीडियो की फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की संस्कृत भाषा 30 अंक का संपूर्ण कोर्स, सभी टॉपिक क्रम वाइज पढ़ाए हुए हैं। ये लो आ गया आई बटन, इसको क्लिक करके उस संपूर्ण कोर्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा वीडियो समाप्त होने से 18 सेकंड पहले एंड स्क्रीन पर दोनों लेवल की चारों संस्कृत भाषा की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से अध्ययन कर ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्टें दी हुई है। उसमें रीट के अलावा कक्षा छठी से दसवीं तक राजस्थान बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ प्रश्नोत्तर सहित बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हुए हैं, तथा कोरोना के कारण 2021 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक 40% कोर्स कम किया गया है, तथा दूसरी से 8वीं तक 48% कोर्स कम कर दिया गया, उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल में उपलब्ध है। लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामाजिक विषय का। प्रत्येक विषय हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो रीट 2018 में एसटी नॉन टीएसपी का सामाजिक विषय में 3 सितंबर 2018 को जो कट ऑफ जारी हुई थी उस समय आपके 69.76% मेरिट रही थी, फिर 22 दिसंबर 2018 को 68.88 मेरिट रही थी। यहाँ पर हम आपको एसटी नॉन टीएसपी की तीनों कट ऑफ बता करके उसके बाद में आपको संभावित कट ऑफ बताएंगे। 28 फरवरी 2019 को आपके 68.62% मेरिट रही थी एसटी नॉन टीएसपी सामाजिक सब्जेक्ट की मेरिट। अब आपको जो है विडो की यहाँ पर मेरिट बता रहे हैं, 3 सितंबर 2018 को 60.19% मेरिट रही थी। उसके बाद में आपको रिक्त पद बताएंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो सेकंड कट ऑफ जारी हुई थी 22 दिसंबर 2018 को, तो विडो में जितनी सीट थी वो सब के सब सेलेक्ट हो गए थे। अब आपको डिवोर्स का बताते हैं। डिवोर्स की आपके जो है 3 सितंबर 2018 को रिजल्ट के बाद में जो वेटिंग जारी हुई थी 63.47% मेरिट रही थी। उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को डिवोर्स के लिए 59.90% मेरिट रही थी। अब आपको बता देते हैं सीधा का सीधा 28 फरवरी 2019 को डिवोर्स के लिए जो मेरिट रही थी 59.41%। अब आपको सीट बता देते हैं, रिक्त पद कितने हैं उसके आधार पर आपको बताएंगे संभावित कट ऑफ। जी हाँ, आपको दिख गया है ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर रिक्त पद है आपके 139, तो मेल और फीमेल की कितनी रहेगी। यहाँ पर जो तीनों डाटा और रिक्त पद दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो संभावित कट ऑफ है वो आपके 67.54% रहेगी, और डिवोर्स के लिए आपके कितनी रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 57.63% तक मेरिट डाउन हो सकती है सीट के आधार पर। अब आपको सीधा ले चलते हैं एमबीसी नॉन टीएसपी सामाजिक विषय के लिए, रिक्त पद भी बताएंगे और जो कट ऑफ निरंतर कट हो रही है, रिक्त हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी विडंबना है, 3 सितंबर 2018 को एमबीसी नॉन टीएसपी के लिए कोई भी कट ऑफ जारी नहीं हुई थी, कोई डाटा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन डाटा मिल रहे हैं 22 दिसंबर 2018 के 72.98% मेरिट रही थी, 9.98%। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को जो मेरिट डाउन हुई थी वो आपके
72.83% है। विडो और डिवोर्स के लिए यहां पर कोई सूचना नहीं है, इसलिए आपको सीधी सीट बता देते हैं। अभी भी सीट बाकी है 10। ये 10 जो सीट बाकी है तो वो मेल फीमेल के लिए हैं, तो यहाँ पर कितनी डाउन हो सकती है वो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। 72.98 से 72.83 आई तो 72.44 तक डाउन हो सकती है, इतना हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिक्त पद भी आपके सामने हैं और मेरिट डाउन भी आपके सामने हैं, सारे डाटा आपके सामने हैं। तो अब ले चलते हैं आपको ओबीसी नॉन टीएसपी, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी सामाजिक विषय की ओबीसी नॉन टीएसपी रीट 2018 की। यहां पर 3 सितंबर 2018 को सबसे पहले जो रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी हुई थी वो 73.59% रही थी, फिर 22 दिसंबर 2018 को डाउन होकर के आ गई 73.02%। अब कितनी डाउन होती हैं उसको बता करके रिक्त पद बताएंगे, उसके बाद में आपको जो है एनालाइज करके संभावित कट ऑफ बताएंगे। तो 28 फरवरी 2019 को जो अभी लास्ट में कट ऑफ जारी हुई थी वो सामाजिक विशेष ओबीसी नॉन टीएसपी की 72.85 तक डाउन हुई थी। अब आप देख सकते हैं विडो के लिए कितनी डाउन हुई थी, 3 सितंबर 2018 को 59.58% हुई थी। आपको पूरी बता करके फिर आपको कट ऑफ बताएंगे। 57.63% 22 दिसंबर 2018 को कट ऑफ डाउन हुई थी विडो के लिए। रिक्त पद आपको बताएंगे बाद में, रिक्त पद बताने के जस्ट बाद में संभावित कट ऑफ बताएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 28 फरवरी 2019 को विडो के लिए यहां पर कोई डाटा नहीं है, इसलिए डिवोर्स का सीधा बता देते हैं। शुरुआती कट ऑफ जारी हुई थी 71.85, दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी वो हुई थी 71.40%। अब इन दोनों के लिए इतनी ही कट ऑफ है, इसलिए सीट बता देते हैं। जी हां, ओबीसी नॉन टीए एसपी की 287 सीट अभी भी खाली है। तो कितनी डाउन जा सकती है मेल फीमेल की आप देख सकते हो, क्योंकि विडो और डिवोर्स के लिए नहीं बता सकते क्योंकि 28 फरवरी को नहीं बताया गया डाटा जो वेबसाइट पर, इसलिए हम कह सकते हैं 71.40 तक डाउन हो सकती है आपकी मेरिट, इससे ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। जी हां, अब आपके सामने कैटेगरी है नॉन टीएसपी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र सामाजिक विषय, रिक्त पद बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पीएच जो एलडी कैटेगरी का उसका 3 सितंबर 2018 को 70.82% मेरिट रही थी, फिर आपके डाउन होकर के 22 दिसंबर 2018 को जो मेरिट रही थी वो 70.25% रही थी। यहाँ पर आपके कैटेगरी है पीएचएलडी की, उसके बाद में पीएच ब्लाइंड की बताएंगे, फिर स्पोर्ट की और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की। तो यहाँ आपके 28 फरवरी 2019 को 69.98% मेरिट रही थी। अब संभावित कट ऑफ बाद में बताएंगे रिक्त पद बताने के बाद में, लेकिन पहले पीएच ब्लाइंड की देख सकते हो। 3 सितंबर 2018 को सबसे पहली मेरिट जो डाउन हुई थी उस समय आपके 64.65% पीएच ब्लाइंड के लिए, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट ब्लाइंड के लिए। अब यहां पर 22 दिसंबर 2018 को जो 63.25% मेरिट रही थी वो पीएच ब्लाइंड की रही थी। उसके बाद में 28 फरवरी 2019 को कितनी रही थी, 62.61% मेरिट डाउन रही थी। अब इसके बाद में आप स्पोर्ट्स की देख लीजिए, स्पोर्ट्स के लिए 66.21% मेरिट डाउन रही थी जो आपके 3 सितंबर 2018 को सबसे पहली जो मेरिट रही थी उस समय, फिर आपको रिक्त बताएंगे राइट हैंड साइड के सबसे ऊपर में। पहले देख लीजिए 22 दिसंबर 2018 को 65.55% स्पोर्ट्स वालों के लिए सामाजिक नॉन टीएसपी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र का, नॉन टीएसपी के बता रहे हैं। फिर यहाँ पर 28 फरवरी 2019 को जो तीसरी कट ऑफ थी उसके स्पोर्ट्स को कोई डाटा नहीं मिल रहे, इसलिए एक्स सर्विसमैन के 55.52% 3 सितंबर 2018। 22 दिसंबर 2018 को दूसरी मेरिट डाउन हुई थी एक्स सर्विसमैन की, वो आपके 55.52% मेरिट डाउन हुई थी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सीट, जी हाँ सबसे ज़्यादा नई सीट है, क्योंकि ये सब ओबीसी नॉन ओबीसी एससी वगैरह की सबकी सीट है। यहाँ पर आपके लिए अलग से सीट नहीं बताई गई है, इसलिए हम आपको अलग से नहीं बता सकते, क्योंकि ओबीसी वाले जो एससी और जनरल वाले उस हिसाब से आपकी ये मेरिट डाउन हो रही है। तो यहाँ पर 6950 और 6180 आपकी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 692 सामाजिक की कुल सीट है जो नॉन टीएसपी की है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देख सकते हो आपके यहाँ पर जो है सामाजिक एससी एससी वो भी टीएसपी क्षेत्र का है ना, टीएससी का, यहां पर बताएंगे सबसे पहले आपके 3 सितंबर 2018 के रिजल्ट के बाद में जो कट ऑफ जारी हुई थी मेल के लिए 69.44% रही थी, और फीमेल के लिए कितनी रही थी 69.14 मतलब 69.14 मेल और फीमेल की यहां पर अलग रही थी एससी टीएसपी की। उसके बाद में आप देख सकते हो प्रथम
जारी कट ऑफ हुई थी आपके जो वेटिंग, प्रथम वेटिंग के टाइम जो सेकंड कट ऑफ जारी हुई थी 22 दिसंबर 2018 को 68.83 और फीमेल के लिए थी 68.83, यानी समान रही थी 22 दिसंबर 2018 को। उसके बाद में आप देख सकते हो 28 फरवरी 2019 को मेल के लिए 68.78% मेरिट डाउन थी। उसके बाद में आपको विडो डिवोर्स के बताएंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे रिक्त पद फिर संभावित कटो बताएंगे। तो यहाँ फीमेल के लिए कोई भी डाटा नहीं मिल रहे हैं 28 फरवरी 2019 को, जी हाँ, और विडो डिवोर्स के लिए यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। इसलिए अपन सीधे चलते हैं सीट बता देते, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए रिक्त पद 8 पद बाकी है, एससी टीएसपी के सामाजिक विषय के सिर्फ 8 पद बाकी है सामाजिक के। तो यहां पर आपके कितनी सी डाउन हो सकती है, 68.52% तक डाउन हो सकती है। जी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो तो रिजल्ट आने पर ही बताया जा सकता है। अब आपके सामने जो कैटेगरी चेंज हो गई आप देख सकते हो एससी नॉन टीएसपी का, एससी टीएसपी देख लिया, अब एससी नॉन टीएसपी का सामाजिक का देख सकते हैं। यहाँ पर 3 सितंबर 2018 को जो मेरिट डाउन रही थी, जो कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके यहाँ पर 70.76% रही थी। दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके 22 दिसंबर 2018 को 70.12% एससी नॉन टीएसपी का, जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं। फिर 28 फरवरी 2019 को 69.99% रही थी, यानी 69.99% रही थी। उसके बाद में विडो डिवोर्स की बता देते हैं, यहाँ पर फिर आपको संभावित कटो बताएंगे, पूरी रिक्त पद कितने खाली पद है वो बताएंगे। विडो के लिए सबसे पहली कटो जारी हुई थी 58.72%, ठीक है ना। खाली पद वह हैं आपके रिक्त पद जो ऊपर दिख रहे हैं वो आपके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर वहां पर बताएंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपके कितने पद खाली हुए थे। यहां पर ऑल सेलेक्ट हो गए थे 22 दिसंबर 2018 को, विडो डिवोर्स के लिए आपके 3 सितंबर 2018 को पहली कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके यहां पर देख सकते हो 65.73%। तो सीधे आपको बता देते हैं प्रथम कट ऑफ जारी, जो आपके प्रथम वेटिंग के टाइम सेकंड कट ऑफ जारी हुई थी 22 दिसंबर 2018 को 63.63% आई थी। अब उसके बाद में भी 28 फरवरी 2019 को डिवोर्स के लिए 62.83% मेरिट रही थी। अब आपको सीधी सीट बता देते हैं, जी हाँ, यहाँ आपके सीट है एससी नॉन टीएसपी की 168 सीट अभी भी बाकी हैं। दिसंबर 2020 तक यहाँ पर 168 सीट बाकी हैं। तो कट ऑफ कितनी रह सकती है मेल फीमेल के लिए आप देख सकते हो, जो संभावित कट ऑफ है वो 68.63% है। तो अब डिवोर्स के लिए बताएंगे 61.63% मेरिट रह सकती है, क्योंकि विडो तो सब सेलेक्ट हो गए थे 22 दिसंबर 2018 को, यहां पर इतनी डाउन हमारी संभावनाएं आपको बता सकते हैं। अब आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है टीएसपी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र सामाजिक का, जिसके अंदर फिजिकल एलडी, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, ब्लाइंड, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन है। तो सबसे पहले पीएचएलडी यानी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट एलडी का 3 सितंबर 2018 को जो मेरिट, जो आपके कट ऑफ जारी हुई थी 68.99%, फिर 22 दिसंबर 2018 को 67.18% मेरिट डाउन हुई थी। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को कितनी रही थी वो यहां पर कोई डाटा नहीं मिल रहे हैं। और अब पीएच ब्लाइंड के 63.68 सबसे पहली मेरिट डाउन हुई थी। उसके बाद में पूरी बता करके फिर आपको रिक्त पद बताएंगे, फिर आपको कट ऑफ बताएंगे। तो यहां पर 63.37% आपकी जो 22 दिसंबर 2018 को मेरिट डाउन हुई थी। उसके बाद में आप देख सकते हो स्पोर्ट्स के लिए भी 64.03% मेरिट डाउन हुई थी सबसे पहली। फिर आप देख लीजिए यहां पर जो स्पोर्ट्स के लिए दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी 22 दिसंबर 2018 को, वो 63.78%। यहां पर 28 फरवरी 2019 के कोई डाटा नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर एक्स सर्विस के लिए यहाँ पर 41.20% है, और उसके बाद में 22 फरवरी 2018 को यहाँ पर नील बता रहे हैं। इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए जो भी कट ऑफ जारी हुई है वो 28 फरवरी को कोई भी डाटा नहीं थे सामाजिक के टीएसपी के। तो यहाँ पर आपको रिक्त पद बता देते हैं, टीएसपी के जो जितने भी पूरे पद है ना सामाजिक के टीएसपी के वो 114, इसलिए आपकी संभावित कितनी हो सकती है, क्योंकि 28 फरवरी 2019 को बताया नहीं, इसलिए हम भी संभावित बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 2019 को एक बार और कट ऑफ जारी की थी, उस समय आपका कोई भी वहां पर जिक्र नहीं था, इसलिए नहीं बता सकते। अब आपका जनरल टीएसपी सामाजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी, यहां पर आपको हम
क्रम वाइज बताएंगे कि सबसे पहले मेल फीमेल का 3 सितंबर 2018 को सबसे पहली जो कट ऑफ जारी हुई थी उस समय आपके 71.23% मेरिट रही थी, आपके कट ऑफ हुई थी। अब आपके उसके बाद में जो सेकंड कट ऑफ थी 70.34% 22 दिसंबर 2018 को हुई थी, ये आपके जनरल TSP सामाजिक की है। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को जो तीसरी बार कट ऑफ जारी हुई थी दूसरी वेटिंग के टाइम में 69.66% मेरी डाउन रही थी। वीडियो की आप देख सकते हो जनरल टीएसपी क्षेत्र की जो जनरल है सामाजिक की वीडियो के लिए 44.43% बहुत ही डाउन रही थी, फिर भी आपके 22 दिसंबर 2018 को 44.43, क्योंकि जन्मतिथि के आधार पर कोई सीट बाकी रह गई थी तो वो पूरी होगी, लेकिन 44.43 ही रही थी। अब आप देख सकते हो डिवोर्स के लिए 66.26% आपके 3 सितंबर 2018 को पहली कट ऑफ जारी हुई थी, क्योंकि वीडियो के लिए तीसरी कट ऑफ जारी हुई नहीं थी तो चौथी क्या आएगी। और दूसरी कट ऑफ जारी डिवोर्स के लिए यहां पर आप देख सकते हो 64.05% रही थी, और तीसरी कट ऑफ भी जारी हुई थी 28 फरवरी 2019 को डिवोर्स के लिए 63.58। अब सारे आंकड़े हमने तीन बार जो कट ऑफ जारी थी वो सारे बता दिए, अब आपको रिक्त पद बताएंगे राइट हैंड साइड सबसे ऊपर यहां, और उसके बाद में आपको बताएंगे संभावित कट ऑफ। यहां रिक्त पद आपके अभी 69 पद है जनरल TSP क्षेत्र सामाजिक में 69 पद है, तो ये मेल फीमेल और डिवोर्स के लिए ही होंगे। तो मेल फीमेल के लिए आपकी कितनी और डाउन हो सकती है, तीन कट ऑफ जो कंटिन्यू हुई है और जो रिक्त पद दिख रहे हैं उसके हिसाब से 68.50% हो सकती है। जी हाँ, और डिवोर्स के लिए यहां पर रिक्त पद आपके हैं उसके हिसाब से और जो कट ऑफ जारी हुई थे तीन बार उसके हिसाब से 62.32% आपके रह सकती है ये संभावना है। नई कैटेगरी आपके सामने जनरल नॉन टीएसपी जनरल का सामाजिक का सबसे बड़ी कैटेगरी सबसे पहली कैटेगरी, तो यहां आपको क्रमवाइज तीन कट ऑफ पहले बताएंगे उसके बाद में आपको रिक्त पद बताएंगे फिर संभावित कट ऑफ बताएंगे। तो सबसे पहली मेल फीमेल के लिए 3 सितंबर 2018 को 74.15% रही थी, उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को दूसरी बार कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके 73.53% रही थी, और वो आपके फर्स्ट वेटिंग थी। उसके बाद में सेकंड वेटिंग के टाइम तीसरी कट ऑफ जारी हुई थी 28 फरवरी 2019 को 72.90% रही थी। अब आपके वीडियो की डिवोर्स की बताते हैं फिर आपको संभावित कट ऑफ बताएंगे। वीडियो के आपके 61.20% मेरिट रहती है, उसके बाद में आपको पूरा बता करके और फिर रिक्त पद बताएंगे उसके आधार पर आपको बताएंगे आपकी जो संभावित कट ऑफ है। वीडियो के लिए आपके दूसरी कट ऑफ जारी थी 22 दिसंबर 2018 को, उस समय आपके 59.55% मेरिट रही थी। अब 28 फरवरी 2019 को 57.43% वीडियो के लिए जो मेरिट डाउन हुई थी, अब और कितनी होगी चौथी वो देखते हैं डिवोर्स के बाद में। तो डिवोर्स के लिए 71.88% मेरिट रही थी आपके जो सबसे पहली कट ऑफ थी 3 सितंबर 2018 को जो रिजल्ट के बाद में वो थी, उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को जो दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी डिवोर्स के लिए 71.67% मेरिट रही थी, फिर 28 फरवरी को क्या रही थी उसके बाद में आपको जो रिक्त पद है वो बताएंगे। जी हाँ, 28 फरवरी 2019 को डिवोर्स के लिए 70.87% मेरिट थी, काफी टाइम हो गया। अब देखते हैं रिक्त पद आपके जनरल नॉन टीएसपी सामाजिक के लिए अभी भी 358 पद, बहुत ज्यादा पद बाकी हैं, तो डाउन कितनी होगी आप खुद एनालाइज करेंगे। मेल फीमेल के लिए जी हाँ 70.76% डाउन रह सकती है, इससे ऊपर ही रह सकती है लेकिन नीचे नहीं आ सकती। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वीडियो के लिए 55.88% मेरी डाउन हो सकती है। जी हाँ, और उसके बाद में डिवोर्स के लिए कितनी डाउन हो सकती है वो भी यहाँ पर जो सीट बाकी है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डाउन बता रहे हैं, तो 69.76% डाउन रह सकती है। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में लोग तो सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कौन करेगा, चार गुना बुलाएंगे तभी तो ज्वाइन करेंगे, पता नहीं चार गुना बुलाए कि नहीं बुलाए, अब देखते हैं जब होती है। तो यहां पर ST कैटेगरी ST TSP कैटेगरी की सामाजिक की बता रहे हैं, तो ST TSP क्षेत्र में सामाजिक के मेल फीमेल की अलग रही थी, तो सबसे पहले मेल के लिए 67.15% 3 सितंबर 2018 को रही थी, और 22 दिसंबर 2018 को मेल के लिए ST TSP का जो है 66.25% मेरिट रही थी डाउन होकर के, 28 फरवरी 2019 को 66.00% मेरिट रही थी। अब संभावित कट ऑफ बाद में बताएंगे, पहले आपके फीमेल वीडियो डिवोर्स की बता देते हैं।
फिर रिक्त पद बता करके संभावित बताएंगे। तो या फीमेल के लिए 3 सितंबर 2018 को 65.82% रही थी, मेल फीमेल के काफी डिफरेंट था। उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को सेकंड कट ऑफ के टाइम आपके 65.18% मेरिट रही थी। उसके बाद में आपकी जो सेकंड वेटिंग के टाइम थर्ड कट ऑफ थी वो फीमेल के लिए कितनी रही थी, 64.82% मेरिट रही थी। अब आपकी वीडियो को बता देते हैं, फिर डिवोर्स की, उसके बाद में रिक्त पद बता करके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं जो 3 बार कट ऑफ जारी हुई थी। तो यहां पर वीडियो के लिए 43.51% मेरिट डाउन थी, और उसके बाद में दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी तो उस समय 42.69% मेरिट डाउन आ गई थी। उसके बाद में तीसरी कट ऑफ भी आपको बता देते हैं जो 28 फरवरी 2019 को रही थी, वो रही थी 41.69%, यानी 3 बार डाउन होगी। अब देखते हैं चौथी कितनी है, लेकिन डिवोर्स के लिए यहां पर कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, यहां सीट नहीं थी, क्या नहीं थी, यहां पर नो डाटा नो एलिमेंट। ओके, अब आपको सीधा बता देते हैं सीट कितनी बाकी, उसके आधार पर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कितनी डाउन होगी जो 3 बार कंटिन्यू डाउन हो रही है। यहाँ पर 67 आपके कट ऑफ डाउन रही थी, तो यहाँ पर मेल के 67.15, 66.25 और 66 रही थी, तो अब कितनी रह सकती है, 65.72% मेरी डाउन हो सकती है। जी हाँ, फीमेल के लिए 65.82, 65.18, 64.82 से 63.72 तक डाउन हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऊपर पद दिख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो विडो के लिए 40.48 यानी 4.8% मेरिट डाउन हो सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से नई जानकारी और लेटेस्ट जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।